तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बताने वाला हूँ आपको कुछ तीन इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। इसके बारे में आज मैं तीन इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि हमारा फर्स्ट टिप जो कि हमारे YouTube चैनल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जब आप YouTube चैनल पर वीडियो डालते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपका वीडियो का थंबनेल। मतलब कि दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि थंबनेल पर कुछ और होता है और वीडियो में कुछ और होता है, मतलब कि क्लिकबेट थंबनेल बनाते हैं जो कि हो सकता है आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाए। क्योंकि इस टाइप के चैनल को ना ही YouTube ग्रो करता है और ना ही इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देता है उस टाइप के चैनल को। तो ऐसी गलती ना करें। और आपका थंबनेल जो वो अगर किसी और टॉपिक पर, आपका वीडियो किसी और टॉपिक पर है, मतलब कि क्लिकबेट थंबनेल है, तो आपका जो सब्सक्राइबर होंगे वो लोग भी आपकी वीडियोस को देखना बंद कर देंगे क्योंकि आप थंबनेल में क्लिकबेट बना रहे हो, कुछ और बना करके कुछ और वीडियो डाल रहे हो, तो वो लोग भी आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे, आपकी वीडियो को देखना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो वीडियो है जो चैनल, वहाँ पर भी आपका लॉस होने लगेगा और जो दोस्तों यूट्यूब है वो भी आपका वीडियो को सजेशन में भेजना बंद कर देगा और दोस्तों आपका चैनल जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस टाइप की गलती बिल्कुल भी ना करें किसी भी एक भी वीडियो में अपने। तो दोस्तों जो अपना थंबनेल बनाए आप वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, मतलब कि ज़्यादा उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उसमें टॉपिक है वही सिर्फ टॉपिक का लिख करके और साफ़ सुथरा टॉपिक बनाएं ताकि एक बार आदमी देख करके समझ जाए कि इस टाइप की वीडियो है ये और उस पर क्लिक कर दे। और दोस्तों आपका थंबनेल अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए। दोस्तों तो हमारा दूसरा टिप कि बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो वॉच टाइम होता है वो जल्दी पूरा नहीं हो पाता है। बहुत लोग का वॉच टाइम रह जाता है क्योंकि जब तक वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आपका मोनेटाइजेशन जो है नहीं चालू होगा। तो इस पर आप लोग क्या करें दोस्तों, आप इसमें यही कर सकते हो कि आप अपने वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश करो। मतलब कि दोस्तों आप अच्छा कंटेंट बनाओ जिससे कि आपकी वीडियो को लोग एंड तक ज़रूर से देखें। और दोस्तों आप वीडियो के बीच में ये भी बोल सकते हो कि एंड तक ज़रूर देखना या फिर ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है वॉच टाइम आपका कंप्लीट करने का। तो दोस्तों हमारा लास्ट तीसरा जो टिप है वो ये है कि आप अपने वीडियो में टैग को बहुत ही अच्छे से लिखो। मतलब कि दोस्तों अगर आपका टैग और टाइटल अगर बहुत अच्छा होता है तो आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा रैंक करती है दोस्तों। मतलब कि आप अपना जो टाइटल लिखो वो कुछ ऐसा लिखो जिससे कि आपका जो पब्लिक है, आपकी जो पब्लिक है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपकी वीडियो को क्लिक करें। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल है कि आप जैसे कि किसी अगर मांस खाने वाले व्यक्ति का जो वीडियो है उसको अपलोड किए हो तो उसमें आप टाइटल लिखोगे कि मांसाहारी व्यक्ति है ना, तो ऐसा नहीं लिख के आप ऐसा लिखो कि मांस खाने वाला आदमी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि कच्चा मांस खाने वाला आदमी। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आदमी एक बार ज़रूर देखेगा कि एक वीडियो कैसा है, इसमें क्या हो सकता है, मतलब कि वो वीडियो पे पक्का एक ना एक बार देखेंगे, देखने के लिए ज़रूर आएंगे और वीडियो में ऐसा है भी। तो मतलब कि ऐसा आप जो टाइटल लिखोगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कर सकती है। और दोस्तों टैग को अच्छे से लगाया करो, जो जो पब्लिक सर्च कर सकती है आप खुद से देखो, खुद से एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया करो कि क्या क्या पब्लिक जो है सर्च कर सकती है यूट्यूब पर। तो उस टाइप को जो टैग है उसको आप लगाओ और आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से रैंक करती है। तो इस चीज़ों पर ध्यान दे अच्छे से। अगर इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूँगा टैग और टाइटल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।